अगले 6 महीने में देश के सारे टोल प्लाजा हटाने की तैयारी। फास्टैग नहीं, गाड़ी नंबर देखकर खाते से पैसे काट लेगा खास कैमरे। टोल पर रुकने का झंझट खत्म, बिना रुके होगा पूरा सफर। टोल प्लाजा पर लंबी लाइनों से छुटकारा दिलाने के लिए 2014 में फास्टैग की शुरुआत हुई थी, जिससे टोल प्लाजा पर रुकने का समय 8 मिनट से घटकर 47 सेकंड हो गया था। लेकिन अब सरकार देश के सभी टोल प्लाजा को हटाने की तैयारी में है। सरकार अब एक नए कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, जिससे ना आपको फास्टैग से पेमेंट करने की जरूरत होगी, ना ही टोल प्लाजा पर रुकने की। नितिन गडकरी ने ऐलान कर दिया है कि अब ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे से टोल टैक्स की वसूली की जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यात्रियों को होगा। यात्री जितनी दूरी का सफर करेंगे उतना ही टोल देना होगा। इसके लिए सरकार खास तरह के कैमरे की मदद लेगी। अगले 6 महीनों में नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे से सभी टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे। इस सिस्टम से हाईवे पर एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। गाड़ी एंटर होते ही नंबर प्लेट स्कैन हो जाएगा और फिर एंट्री और एग्जिट की दूरी के हिसाब से पैसे यात्रियों के अकाउंट से कट जाएंगे। हाँ, इसके लिए गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाई जाएंगी, जो 2019 के बाद की सभी गाड़ियों में लगाई जा रही है। मोदी सरकार ने 2014 में टोल टैक्स वसूली में होने वाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने और लंबी लाइनों से छुटकारों के लिए फास्टैग की शुरुआत की थी, जिसके बाद सरकार के टोल कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। साथ ही यात्रियों का टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम भी 8 मिनट से घटकर 47 सेकंड का हो गया था। लेकिन नई टेक्नोलॉजी की मदद से टोल प्लाजा पर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकना होगा, क्योंकि सरकार अगले 6 महीने में टोल प्लाजा को हटाने जा रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब टोल प्लाजा को हटाकर कैमरे लगाने की योजना है, जो नंबर प्लेट रीड करेंगे और सीधे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। इसके 2 बड़े फायदे होने की उम्मीद है। पहला, आपको कम टोल देना होगा और दूसरा, इससे प्लाजा पर लगने वाले जाम से छुटकारा मिल जाएगा। नए सिस्टम के तहत आपसे किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जाएगा। अभी भले ही 2 टोल प्लाजा एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो, लेकिन आपको पूरा टोल देना होता है। अगर आप हाईवे का इस्तेमाल केवल 30 किलोमीटर के लिए करते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी की मदद से आपको केवल आधी कीमत चुकानी होगी। टोल प्लाजा नहीं होने से गाड़ियों को रुकना नहीं पड़ेगा, इससे प्रदूषण भी कम होगा और साथ ही समय भी बचेगा। नई टेक्नोलॉजी से पैसे सीधे ड्राइवर के बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। फास्टैग ने देश भर में टोल प्लाजा पर ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद की है, लेकिन अब भी ट्रैफिक से पूरी तरह निजात नहीं मिली है, क्योंकि फास्टैग से पेमेंट के बावजूद ड्राइवर को टोल गेट को पार करना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। इसी वजह से सरकार फास्टैग की जगह ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे वाले सिस्टम को लागू करने जा रही है। नए प्रोजेक्ट के तहत ANPR कैमरों को नंबर प्लेट पर मौजूद 9 नंबरों को पढ़ने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन अगर नंबर प्लेट पर कुछ और लिखा है तो कैमरा उसे पढ़ नहीं पाएगा। इस प्रोजेक्ट की एक्सप्रेसवे पर ट्रायल के दौरान कैमरा करीब 10% नंबर प्लेट को रीड नहीं कर पाया था, क्योंकि उनमें 9 नंबरों के अलावा भी शब्द या नंबर थे। जिन नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कोई और नंबर या शब्द, जैसे भारत सरकार, दिल्ली सरकार, भगवान या जातियों के नाम लिखे थे, उन्हें कैमरा रीड नहीं कर पाया था। लेकिन अब सरकार ने इन सभी परेशानियों को दूर कर लिया है। साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर कुछ लिखना भी गैर कानूनी हो गया है, यानी कि अगले 6 महीनों में भारत के एक्सप्रेसवे, हाईवे सभी टोल मुक्त हो जाएंगे। यात्रियों के सफर की तय दूरी का ही टैक्स देना होगा, वो भी बिना 1 सेकंड रुके। ब्यूरो रिपोर्ट, एक भारत न्यूज़।